नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का टूटी फ्रूटी केक। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए एक कप मैंने सूजी ली है, तो बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो हमारी सूजी थोड़ी मोटी है, इसे मिक्सी जार में डाल लेते हैं और ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। तो सूजी को मैंने पीस लिया है, एकदम बारीक पाउडर इसका बना लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और 2 बड़े चम्मच लेंगे मैदा, जिससे केक का टेक्स्चर अच्छा आएगा। अब सूजी मैदा को हम दूसरे बर्तन में पहले छान लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी छान कर बनाएं। और 1 कप लेंगे पिसी हुई चीनी, तो चीनी को भी मैंने इसी के साथ छान लिया है। तो मोटे पार्ट्स निकाल देते हैं, जो भी मोटे पार्ट्स रह गए हैं। अब 2 चम्मच लेंगे कस्टर्ड पाउडर, तो मेरे पास जितना है मैं उतना ले लेती हूँ, आप 2 चम्मच करीब लें। तो इसे भी इसके साथ हम छान लेते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर भी हमारा अच्छे से छन चुका है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं और 1/2 कप लेंगे फ्रेश दही। अब दोनों को विस्क की सहायता से अच्छे से हम इसे विस्क कर लेंगे और स्मूथ बैटर इसका बना के तैयार कर लेंगे। तो दही और तेल को मैंने अच्छे से फेंट के स्मूथ बना लिया है। अब जो हमने इन सूखे इन्ग्रीडियंट्स छान के रखे हैं, उसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे और डालते जाएंगे इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। अब जो थोड़ा सा रह गया इसे भी हम सभी को डाल लेते हैं और इसी तरह से उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करें। तो बैटर हमारा अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने ली है यहाँ टूटी फ्रूटी, तो इसमें 1 चम्मच मैदा डाल लेंगे। मैदा को अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो टूटी फ्रूटी को मैंने यहाँ अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे हम बैटर में डाल देते हैं। इधर मैंने एक भगोना चढ़ा दिया है, उसमें मैंने नमक फैला दिया है। तो ये मेरा यूज़ किया हुआ नमक है और इसे हम प्रीहीट होने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। अब केक का बैटर में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेंगे, तो इसका हाफ डालना है। और 1 चम्मच करीब वनीला एसेंस डाल देंगे, जिससे फ्लेवर बढ़िया आएगा। तो 2 चुटकी नमक डाल देते हैं, तो नमक से इसका टेस्ट केक का बढ़ जाएगा। अब 1/2 कटोरी दूध डाल देंगे। तो दूध डालकर सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है, तो 1 कटोरी दूध हम अभी और डाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ बैटर बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए केक का बैटर मैंने बना लिया है। यहाँ थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर कम था, तो मैंने येलो फूड कलर इसमें ऐड कर लिया है, जिससे केक का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और जो बचा हुआ दूध है उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं और कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया कलर केक का बन के आएगा। तो बैटर बन के तैयार है। अब एक केक टिन ले लेंगे, उसमें मैंने तेल लगा दिया है, इसे अच्छे से फैला देंगे। एक बटर पेपर भी लिया है, इसे भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो केक का बैटर है इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आधे से थोड़ा ज़्यादा भरेंगे। तो अब थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसके ऊपर से डाल देते हैं, जिससे केक हमारा ऊपर से भी सुंदर लगेगा। इधर हमारा भगोना भी प्रीहीट हो चुका है, तो केक को हल्का सा टैप कर लेंगे और ढक्कन हटाएंगे। इसे बड़ी सावधानी से भगोने के अंदर प्लेस कर देंगे और ढक के इसे हम 35 से 40 मिनट करीब पकने देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारा केक बन के तैयार होगा। तो 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेंगे। तो टूथपिक की सहायता से चेक करते हैं, तो केक हमारा बन के तैयार है और इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा ठंडा करके प्लेट पे मैंने इसे उल्टा कर लिया है, हल्का सा थपथपा लेंगे। हल्के से केक टिन को हटा लेते हैं। अब बटर पेपर को भी निकाल देंगे, तो कितना बढ़िया हमारा देखिए स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।